ये कैट मुझे एक भैया ने दी। उन्होंने बताया कि ये मेरी छत की टंकी के पास ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो वो मेरे पास लेके आ गए और मुझे देकर चले गए। फिर मैंने इसको देखा तो शुरू में तो मुझे लगा ये कहीं से गिर गई है या किसी दूसरी कैट ने इस पर हमला किया है। मैं इसको घर लेकर आया, मैंने इसको दूध पिलाया, इसने दूध नहीं पिया। फिर शाम हो चुकी थी तो मैंने डॉक्टर से कॉल पर बात करके इसकी वीडियो भेजी। उन्होंने बताया इसको पैरालिसिस हुआ है, तो उन्होंने एक इंजेक्शन बताया कि अभी के लिए एक इंजेक्शन लगा दो, फिर सुबह मेरे पास ले आना। मैंने ऐसे ही किया, मैं जाकर मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन लाया और मैंने इसको इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर बाद ये जैसे दर्द में लोग करते हैं ऐसे करने लगी और इसने अपनी पूरी नेक एकदम से बैंड कर ली। लूटो भी इसको देखने आया कि क्या हो गया इसको। फिर मैं इसको इमरजेंसी में नेक का एक्सरे कराने गया। किस्मत सही रही कि एक्सरे वाले भैया जाने वाले थे, बस सही टाइम पर पहुंच गए। फिर इसका एक्सरे हुआ, इसके एक्सरे में पता चला कि ये कहीं से गिर गई है और नेक के पास वाली स्पाइन हड्डी थोड़ी सी डिसलोकेट हो गई है। फिर जल्दी से डॉक्टर को हमने इसकी डिटेल सेंड की। डॉक्टर ने बताया कि सुबह ले आना। फिर रात भर ये ऐसे करती रही, मैंने जबरदस्ती इसको दूध भी पिलाया, लेकिन ये ऐसे नेक को करती रही जैसे इसको बहुत दर्द हो रहा।